Hello children, hope you are well. In such a bad situation caused by COVID-19, we all are in a helpless condition. So our school is providing you online classes. So please carefully listen. Good morning children. Today we will start chapter 2, Adaptations in Plants. Okay, plants exist all over the world. They grow in cold, hot, dry and wet places. हम लोग के पौधों में हर जगह में हम लोग प्लांट्स देखते हैं और वो कोल्ड हॉट ड्राई वेट प्लेसेस में हम लोग देखते हैं और प्लांट्स स्लो ग्रो इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स लेक सीज एंड ओशंस और कुछ जो पौधे हैं रिवर्स लेक और ओशंस में भी जो बढ़ते हैं. ओके, व्हाट इज अडेप्टेशंस? The special features which help them to survive in a given place. This ability to change themselves in order to survive a particular environment is called adaptations. एक जो पौधे को जो particular environment में जो survive करने का जो ability को हम लोग adaptations करते हैं. Next, habitat. What is habitat? The natural home of a plant or an animal is called a habitat. ओके, एक और बार मैं आपको बोल दूंगी, द प्लेस वेयर ए प्लांट एंड एनिमल्स लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट. जो प्लांट जो एक प्लांट नहीं तो जो एनिमल्स को जो नेचुरल होम्स होता है उसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं. अडैप्टेशंस इन प्लांट्स. प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. हम लोग को मालूम है जो प्लांट्स को जो टू टाइप्स में डिवाइडेड किया हुआ है. द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड सेकेंड वन इज अक्वाटिक प्लांट्स. ओके, हम लोग अभी द फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में हम लोग देखेंगे. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. जो लैंड में जो प्लांट्स को जो बढ़ते हैं उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो इन डिजर्ट. वो कहाँ कहाँ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होता है वो हम लोग देखेंगे. The terrestrial plants grows in desert. The first one, desert. Second one, hills and mountains. Third one, plains. Or fourth one, sea coast. And last one, marshy areas. Okay. The types of plants which grow on different lands regions depend on the conditions of regions. Or जो हम लोग को मालूम है जो different जो region में जो different जो plant को जो grow होता है उसका जो वेदर कंडीशन के अनुसार वो डिफरेंस होता है. प्लांट्स ग्रोइंग इन डिसर्ट. अभी जो डिसर्ट में जो बढ़ने वाला कुछ जो प्लांट्स के बारे में हम लोग देखेंगे. द डिसर्ट इज वेरी हॉट. हम लोग को मालूम है डिसर्ट वेरी हॉट प्लेसेस है और ड्राई एंड सैंडी रीजन है. वेरी ड्राई है और सैंडी जो रीजन है विच रिसीव्स वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. उधर रेनफॉल्स नहीं है, पानी का जो मात्रा बहुत कम है. प्लांट्स ग्रोइंग इन डिसर्ट शो द फॉलोइंग अडाप्टेशंस. अभी हम लोग जो यही जो डिसर्ट में जो होने वाला कुछ प्लांट्स के बारे में हम लोग देखेंगे. द फर्स्ट वन क्या है, कैक्टस. दे डेवलप वेरी लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इन टू द अर्थ सर्फस और देयर रूट्स मेनली स्प्रेड ओवर वेरी लार्ज एरिया. जो वेरी लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इन टू द अर्थ, मतलब जो उसका जो रूट्स हैं वो बहुत जो डीपली जो जाता है. दिस हेल्प टू प्लांट अब्सॉर्ब वाटर एज मच पॉसिबल फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस, ताकि वो अर्थ सरफेस में से जो वाटर को अब्सॉर्ब करने के लिए उसका जो रूट्स बहुत डीपली चला जाता है. और फॉर एग्जाम्पल द कैक्टस प्लांट्स हैज रूट्स विच स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया. कैक्टस प्लांट्स का जो रूट्स होते हैं वो बहुत डीपली वो उसका जो रूट्स जाता है. A desert plants need to reduce the loss of water from the surface. They have few leaves. अभी कुछ जो desert plants को हम लोग को मालूम है उसका जो
leaves about come leaves or in some desert plants such as cacti the leaves are reduced to sharp spines prevent loss of water by evaporation. हम लोगों को मालूम है उसमें जो स्पाइंस होता है वो स्पाइंस से जो वाटर लॉस होने से हेल्प करता है और दे वैक्स कोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स ऑल्सो प्रिवेंट द वाटर लॉस. हम लोगों को मालूम है वो लीफ में जो वैक्स का जैसे एकदम जो वैक्स कोटिंग का जैसे हम लोग बहुत एकदम ग्लासी है ना हम लोग देखते हैं उसमें तो वो क्या हो जाता है वो भी जो वाटर लॉस होने से वो भी प्रिवेंट करता है. ओके हम लोग अभी देखे हैं जो प्लांट्स ग्रोस इन डिजर्ट दो प्लांट के बारे में हम लोग देखे फॉर द फर्स्ट वन कैक्टस और सेकंड वन जो शार्प स्पाइंस ऑफ ए कैक्टस. नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे डिजर्ट प्लांट्स नीड टू स्टोर वाटर और जो डिजर्ट प्लांट्स को जो वाटर को जो स्टोर करना है. सम डिजर्ट प्लांट्स सच एज बैरन कैक्टी हैव थिक स्टेम्स. एक प्लांट है बैरन कैक्टी जो प्लांट को जो थिक स्टेम्स है ताकि उसमें जो वाटर को स्टोर करके रखते हैं. अदर स्टोर वाटर इन द रूट्स लीव्स और फ्रूट्स और इसका जो रूट्स में लीव्स में फ्रूट्स में भी जो वाटर क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं. नेक्स्ट प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन्स एंड हिल. जो माउंटेन और हिल्स में भी कुछ प्लांट्स जो होता है. हिल्स एंड माउंटेन्स जनरली हैव कोल्ड क्लाइमेट. हम लोग मालूम है हिली एरिया और माउंटेन एरिया में कोल्ड क्लाइमेट है. सम माउंटेन्स आर परमानेंटली कवर्ड विद स्नो और कोई कुछ माउंटेन्स में हम लोग देखते हैं हमेशा उधर स्नो रहता है. प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स and hills adapt themselves to the cold climate in the following ways. अभी उधर कैसे वो लोग वो वैसे प्लांट्स को बारे में हम लोग देखेंगे. द ट्रीज ग्रो वेरी टॉल इन ऑर्डर गेट मैक्सिमम सनलाइट. सच ट्रीज आर फाउंड ऑन लोअर स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स. अभी कुछ ट्रीज होता है बहुत जो वेरी टॉल इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम सनलाइट. उसको जो सनलाइट जो मिलने के लिए क्या हो जाता है वो टॉल हो जाता है. और सच ट्रीज आर फाउंड इन लोअर स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स. ऐसे जो माउंटेन्स जो ट्री हम लोग देखते हैं माउंटेन्स का जो लोअर स्लोप में. सम ट्रीज डू नॉट हैव फ्लावर्स और कुछ ट्रीज में जो फ्लावर्स नहीं होता है दे डिवेलप कॉनस इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स. सच ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफरस ट्रीज और कॉनिफर्स. और उसका जो कोन शेप में उसका जो ट्री से होता है उसको हम लोग कॉनिफरस ट्रीज नहीं तो कॉनिफर्स कहते हैं. इधर कॉन्स प्रोटेक्ट द साइड सीड्स इनसाइड दम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड. पाइन और स्प्रूस केदार एंड फिर आर एग्जाम्पल ऑफ कॉनिफर ट्रीज. जे पाइन केदार ट्री फिर ये सभी जो कॉनिफर ट्रीज को ये एग्जाम्पल्स है. इधर ब्रांचेस ऑफ कॉनिफर ट्रीज slope downwards so that the snow does not collect on the leaves and the branches. और हम लोग बात मालूम है जो ही ट्री है एकदम कौन शेप में दिखाई देता है ना कौन शेप में होता है वो क्या हो जाता है वो जो स्नो कलेक्ट होने से वो क्या करते बच जाता है. मतलब स्लोप है इसलिए वो कॉनिकल शेप है इसलिए क्या हो जाता है वो स्लोप होकर के नीचे की ओर गिर जाता है वो कलेक्ट होकर के वो नहीं होता है. ओके और आज हम लोग इतना ही हम लोग देखेंगे और जितना मैं बोला है आपको उसको अच्छा से और प्रिपेयर कीजिए. आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अडाप्टेशंस और हैबिटेट और अडाप्टेशंस इन प्लांट्स. प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब हम लोग को मैं बोला है क्या है प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. अभी हम लोग नेक्स्ट देखे थे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रोइंग इन कहाँ कहाँ उसका ग्रोथ होता है डिजर्ट हिल्स एंड माउंटेन्स प्लेन्स सी कोस्ट एंड मार्शी एरियाज. और जो प्लांट्स ग्रोइंग इन डिजर्ट में जो जो होने वाला प्लांट्स के बारे में हम लोग देखे थे और
फिर हम लोग पढ़े थे प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स. ओके बच्चों, अच्छा से इसको याद करना. जिसको बुक नहीं है तो आपने जो बुक जल्दी खरीदना, और मेरा तरफ से पेरेंट्स को भी जो मैं बता रहे हैं, जिसको बुक नहीं है तो आपने इसको प्रोवाइड करके दीजिए. उतना भी नहीं, आपने वो बच्चा को हेल्प करना ताकि वो भी समय में अच्छा से पढ़े. और नेक्स्ट पोर्शन लेकर के मैं नेक्स्ट क्लास में आएंगे. बाय बाय.